क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी याद रखो एकदम सिंपल आंसर है और इंपॉर्टेंट आंसर भी है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है बराबर, लेकिन एकदम इजी आंसर है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी अगर मैं आंसर नहीं भी बताऊं तो भी बहुत लोगों को पता होगा, क्यों, क्योंकि हम बहुत लोग हैं जो Amazon पे या Flipkart पे कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वही स्टेप्स है बराबर। तो अब हर आंसर की तरह सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन बराबर, ये लिखना मस्ट, इट इज कंपल्सरी टू राइट मीनिंग और इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मीनिंग में क्या लिखो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट, एकदम इजी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट, एकदम इजी पॉइंट है। सेकंड क्या है, द मेन स्टेजेस इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर, अभी देखो तीन मेन स्टेजेस होते हैं किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। स्टेज क्या, पहला है प्री परचेज और सेल्स, प्री परचेज और सेल्स। सेकंड होता है एक्चुअल परचेज और सेल्स, और लास्ट में होता है डिलीवरी स्टेज। अभी देखो प्री परचेज और सेल्स मतलब क्या, प्री परचेज अभी याद रखो, परचेज मतलब कस्टमर के हिसाब से, सेल्स मतलब सेलर के हिसाब से, या फिर जो Amazon का मालिक है, जो सेलर है, एग्जैक्टली सेलर, सेलर के हिसाब से। परचेज कौन करेगा, याद रखना परचेज करेगा कस्टमर, कस्टमर मतलब कौन, हम लोग, और सेल्स कौन करेगा, सेलर। तो अब इन दोनों के लिए प्री परचेज है, एक प्री स्टेज है, अभी अपने लिए प्री परचेज क्या है, क्या सपोज हम Amazon का एग्जांपल लेते, तो हम Amazon में ढूंढ रहे कि हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो ये कौन सा स्टेज हो गया, प्री परचेज, मतलब परचेज करने से पहले हम क्या करें, सर्च करें कि हमारे हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। सिमिलरली प्री सेल्स किसके लिए हो गया, Amazon वालों के लिए प्री सेल्स हो गया, क्योंकि वो लोग सेल करेंगे, उससे पहले का स्टेज क्या है कि उनके कस्टमर्स प्रोडक्ट ढूंढ रहे बराबर, ये हो गया प्री परचेज और प्री सेल। सेकेंड एक्चुअल परचेज और एक्चुअल सेल्स, एक बार हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया तो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सिमिलरली सेलर क्या करेगा, एक्चुअली इस प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो क्या हो गया एक्चुअल परचेज और सेल्स। और थर्ड होता है डिलीवरी स्टेज, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदने का, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया तो लोग आपके घर पे उस प्रोडक्ट की क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे। तो ये थ्री स्टेजेस है, क्या लिखा है देखो, द मेन स्टेजेस इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर प्री परचेज और सेल्स, एक्चुअल परचेज और सेल्स, डिलीवरी स्टेज बराबर, ये तीन स्टेजेस है, इज इट क्लियर, ये तीन स्टेजेस है। अब अपना आंसर ये लिए, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आंसर का, आपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी याद रखना तीन ही स्टेप्स हैं, देखो ये रहे तीन ही स्टेप्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर आप Amazon ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको लॉग इन करना पड़ता है। अगर सर मैंने अगर लॉग इन नहीं किया, सर मैं पहली बार डाउनलोड कर रहा हूं, तो क्या, तो आपकी ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना पड़ता है, वो रजिस्टर करना कंपलसरी ताकि आप ऐप यूज कर सको फ्रीक्वेंटली या इजीली। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन, आप ऐप डाउनलोड करो, आप खुद को रजिस्टर करो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी, अगर आप कस्टमर हो तो भी, अगर आप मेरा खुद का ऐप है तो मैं ऐप बनाऊंगा बराबर, उस ऐप को रजिस्टर करवाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे मैंने Amazon पे मेरा नाम एड्रेस सब कुछ लिख दिया, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ रजिस्टर कर दिया, सेकेंड स्टेप क्या करूंगा, मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, मतलब मुझे कौन सा सामान खरीदना है, मैं ढूंढ के क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा, समझ में आया, मुझे कौन सा सामान खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदने, जो भी खरीदने का है मैं उसे ढूंढूंगा, जो मुझे पसंद है मैं वो क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा, जो भी कुछ मुझे पसंद आया मैं क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा बरोबर। तो वो क्या हो गया, प्लेसिंग एंड ऑर्डर, प्लेसिंग एंड ऑर्डर, इज इट क्लियर। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा प्लेसिंग एंड ऑर्डर, तीसरा स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है पेमेंट। तीसरा स्टेप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पेमेंट, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, हम ऑर्डर भी प्लेस कर लेते हैं, जहां पर मेन आके गाड़ी अटकती है वो क्या होता है, पेमेंट। अब पेमेंट देखो, पेमेंट आप पांच तरीके से कर सकते हो, देयर आर फाइव वेज टू डू द पेमेंट। सबसे पहला तरीका जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं वो क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। वो क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब क्या, जब घर पे डिलीवरी हो जाएगी प्रोडक्ट की, हम हाथों हाथ ऑन द स्पॉट कैश दे देंगे बरोबर, वो क्या हो गया, कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड क्या है, चेक, पेमेंट बाय चेक, आप चेक से पेमेंट करोगे, आप क्या करोगे, Amazon वालों का किसी भी ऑनलाइन बिजनेस वाले को क्या करोगे, आप चेक से पेमेंट करोगे, चेक तो हम सबको पता है बैंक का जो चेक रहता है, इजी एकदम। नेक्स्ट है नेट बैंकिंट्रां
ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। बहुत सारे लोग रहते हैं जो नेट बैंकिंग करते हैं, मतलब उनके बैंक से अकाउंट लिंक करते हैं और थ्रू द इंटरनेट ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो क्या हो गया, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। मतलब आप बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक करके नेट बैंकिंग कर रहे हो, मतलब आप किसी और ऐप के थ्रू नेट, आप बैंक को यूज नहीं कर रहे, आप आपके बैंक के थ्रू ही बैंक की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। जैसे फोन पे या गूगल पे हो गया वो अलग हो गया, लेकिन नेट बैंकिंग मतलब आप आपके ऐप बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो क्या क्या नेट बैंकिंग ट्रांसफर। फोर्थ जो कि फिर से बहुत लोग करते हैं, जो कि है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आप सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड नंबर लिख दो या डेबिट कार्ड नंबर लिख दो और आपको ओटीपी आएगा, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा ओटीपी, आपने जैसे वो ओटीपी डाल दिया आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। वो था क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। और जो लास्ट है डिजिटल कैश। लास्ट क्या है, डिजिटल कैश। आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देते हो पैसा, डिजिटल कैश, जैसे फोन पे गूगल पे, वो इसमें आ गया डिजिटल कैश। इज इट क्लियर। तो देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर, फिर पेमेंट। पेमेंट आप पांच तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी, मतलब हाथ में पैसा दे देने का, फिर चेक। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, मतलब आप बैंक के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो आगे वाले अकाउंट में। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आप सिर्फ आपका डेबिट कार्ड नंबर डालो, जैसे आप डेबिट कार्ड नंबर डालोगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड, आपको ओटीपी मिलेगा। जैसे आपने ओटीपी डाल दिया आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और लास्ट क्या है, डिजिटल कैश। इज इट क्लियर। बस ये आंसर इतना ही है और कुछ नहीं आंसर में, एकदम इतना ही। सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन लिखोगे तो आपको इसको तीन चार लाइन में एक्सप्लेन करना है। आप प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखोगे, आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर को तीन चार लाइन में एक्सप्लेन करना है। जब आप पेमेंट लिखोगे तो ये जो पांचों पेमेंट्स है, आपको पांचों पेमेंट्स के लिए एक एक दो दो लाइन लिखने के, बस इतना लिखोगे तो ये शॉर्ट नोट पूरा खत्म हो जाएगा। पांच मार्क का आता है शॉर्ट नोट, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इजी आंसर। इज इट क्लियर। फिर से एक बार देखते, सबसे पहले क्या था, मीनिंग इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट, बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट। तीन स्टेज है, कौन से, प्री परचेज, प्री सेल्स, एक्चुअल परचेज, एक्चुअल सेल्स, डिलीवरी स्टेज, बराबर। ये तीन स्टेज है। और फिर स्टेप्स में क्या, तीन ही स्टेप्स है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर, और तीसरा है पेमेंट। पेमेंट कैसे कर सकते हो, पांच तरीके से कर सकते हो। पेमेंट कैसे कर सकते हो, पांच तरीके से कर सकते हो, ये रहे पांच स्टेप्स, बराबर। इतना लिखने का, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने का और आंसर करते हैं। इजी।